देखते रहिए यूवीएन जीरो एट शाजापुर जिले से विक्रम सिंह गुर्जर की बड़ी खबर आ रही है। पत्रकारों के हित में यूनाइटेड प्रेस क्लब बैठक धरने पर पुलिस प्रशासन के विरोध में दिया धरना। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रशासन जागेगा और अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार राकेश सोराष्टिया तहसील अध्यक्ष गुलाना यूनाइटेड प्रेस क्लब सुजालपुर जिला शाजापुर के द्वारा दिए गए आवेदनों पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो निंदनीय है। इसके कारण अपराध करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उक्त आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राजेश पाटीदार के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाना आवश्यक है। अन्यथा यूनाइटेड प्रेस क्लब सुजालपुर जिला शाजापुर अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। अतः ज्ञापन प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि यूनाइटेड प्रेस क्लब सुजालपुर जिला शाजापुर के तहसील अध्यक्ष राकेश सोराष्टिया के साथ शासकीय माध्यमिक विद्यालय गुलाना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलाना के प्राचार्य राजेश पाटीदार के द्वारा अभद्रता एवं जाति सूचक गाली गलौज किए जाने के लिए तत्काल दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाए। समस्त यूनाइटेड प्रेस क्लब इसको खोलो, इधर सामने देखो। यहाँ पर गुलाना में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पत्रकारों द्वारा। हमारे पत्रकार साथी राकेश सोराष्टी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया कवरेज के दौरान, उसको लेकर उसमें उनके साथ अभद्रता की गई, उसको लेकर उन्होंने पुलिस में FIR के लिए आवेदन वगैरह दिए, लेकिन उनसे आज तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसको लेकर सारे पत्रकार लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। कब से बैठे हैं आप लोग धरने पे और कब तक आपका धरना चलेगा? हम सुबह 11 बजे से बैठे हैं और 3 बजे धरना समाप्त करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर पाती है तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? प्रशासन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है राजेश पाटीदार के विरुद्ध तो आपका अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? अगर धरने के बाद भी पुलिस प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन भूख हड़ताल तक जा सकता है। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।